हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने YouTube चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, आज हम लेके आए हैं कंपाइलर डिज़ाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो कंपाइलर डिज़ाइन वन शॉर्ट प्लेलिस्ट दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिए सेक्शन ए, सेक्शन ए में क्वेश्चन 10 होते हैं जो कि होते हैं दो दो नंबर के। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि पार्स ट्री और यहाँ पे AST में क्या यहाँ पर डिफरेंस होता है। दूसरा क्वेश्चन, टॉप डाउन पार्सर में क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो टॉप डाउन पार्सर क्या होता है, बॉटम अप पार्सर क्या होता है, जा करके देख लीजिए लेक्चर अच्छी तरीके से। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट आर दी वेरियस एरर दैट मे अपीयर इन दी कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस में जो यहाँ पर एरर आते हैं वही आपको बताना है। और यहाँ पर जो टू टाइप होते हैं एट्रीब्यूट, यस एट्रीब्यूट, यस एट्रीब्यूट, वो आपको बताना है। और यहाँ पर दैट आर एसोसिएटेड विद ग्रामर सिंबल। क्वेश्चन नंबर ई, आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यहाँ पे कंपाइलर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर एफ, हैशिंग क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे आप लेफ्ट फैक्टरिंग ग्रामर से क्या समझते हैं, वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब आपको यहाँ डिफाइन करना है लेफ्ट रिकर्सिव क्या होता है और जो यहाँ पर ग्रामर दिया गया है वही आपको सॉल्व करना है। तो पूरा अच्छा तरीके से हम लोग पूरा बढ़िया तरीके से कंपाइलर में आपका हो चुका है सब, कि पार्स ट्री क्या होता है, LLR क्या होता है, टॉप डाउन पार्सर क्या होता है, बॉटम अप पार्सर क्या होता है, ये सारा चीज़। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ बताना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जी, आपको यहाँ बताना है लिस्ट डाउन द कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्वेश्चन, तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होते हैं जो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे ग्रामर दिया गया है और यहीं आपको बनाना है LALR पार्सिंग टेबल। LALR पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं, CLR पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं, जो लोग नहीं देखें लेक्चर जा करके देख लीजिए। बी देखिए, यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है और आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है हाउ इट रिलेटेड विद रन टाइम स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर ई, ये देखिए ये आपका पूरा वही क्वेश्चन हम जो है लेक्चर में डिस्कस किए थे कि यहाँ पे क्वाड्रपल क्या होता है, ट्रिपल क्या होता है और यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रिपल क्या होता है, ये आपके सामने दिया गया इसका एक्सप्रेशन। ठीक, मतलब यहाँ पे हुबहू क्वेश्चन है, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे बेसिक ब्लॉक क्या होता है और यहाँ पे नेक्स्ट यूज इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये आपका है यूनिट नंबर 5 का फोटोग्राफ क्या होता है। ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई देखिए, यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है प्रेडिक्टिव पार्स टेबल, यहाँ पे दिया गया आपके सामने ग्रामर। अब यहाँ देखिए यूनिट नंबर 5 है, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सेक्शन सी, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन दोनों क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करना होता है। अब यहाँ पे दिया गया ग्रामर और आपको यहाँ बनाना है SCLR पार्सिंग टेबल। दूसरा क्वेश्चन, आपको बताना है स्टैक एलोकेशन और यहाँ पे हीप एलोकेशन में क्या यहाँ पे डिफरेंस होती है, स्टैक एलोकेशन और यहाँ पे हीप एलोकेशन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन करना होता है। अब देखिए यहाँ पे यह ड्यूटी क्या होता है, पूरा बढ़िया तरीके से आपको बताया है, यही आपके सामने दिया गया स्टेटमेंट और इसी को आपको यहाँ पे सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन बनाना है आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि डैग क्या होता है और इसको आपको यहाँ बताना है एडवांटेज। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, पीप होल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, ये आपका यूनिट नंबर 5 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन में पूरा बढ़िया से बताएं आपको कि लेक्सिकल फेज एरर क्या होता है और यहाँ पे सिंटैटिक फेज एरर क्या होता है और यहाँ पे हम आपको बताए हैं रिकवरी कैसे उसकी होती है एरर की। क्वेश्चन नंबर बी ये आप लोग देख लीजिए, तो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेक्सिकल फेज एरर क्या होता है और यहाँ पे सिंटैटिक फेज एरर क्या होता है। तो ये भी आपका पूरा खत्म हो चुका है और ये आपका है यूनिट नंबर 4 में। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपके सामने यहाँ दिया गया एक्सप्रेशन या फिर ग्रामर और यहाँ आपको चेक करना है कि यह दिया गया ग्रामर LL1 या फिर है या फिर नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टैटिक स्कोप और यहाँ पे डायनामिक स्कोप, इसके बीच में क्या यहाँ पे डिफरेंस होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना होता है। अब यहाँ देखिए
कोड जनरेशन क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस इशू इन द डिजाइन ऑफ द कोड जनरेटर, और यहाँ पे कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड लूप ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये आपको बताना है। अभी सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आते हैं यूनिट नंबर 5 में। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपको यहाँ जनरेट करना है 3 एड्रेस कोड, ये सारे यहाँ दिए गए हैं, ये आपको बताना है। तो जो लोग लेक्चर नहीं देखे हैं कंपाइलर का, जा करके देख लीजिए, उसका जो प्लेलिस्ट है तो उसका लिंक दिया गया कमेंट बॉक्स में और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जा करके देख लीजिए। थैंक यू।